हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अक्षय फ्रॉम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्टार्टअप के बारे में जो आपका पैसा बचा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम आए राइडेंस इलेक्ट्रिक की कंपनी में, जो कि इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल। चलो तो बात करते हैं उनसे कि क्या खासियत है उनके व्हीकल के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं राइडेंस इलेक्ट्रिक के सर्वे सर्वा से, जो आपको कंप्लीट व्हीकल के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स देंगे। इलेक्ट्रिक एक साल पहले चालू किया था टू मेक पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फोर व्हीलर, एंड लॉकडाउन की वजह से जैसे हमारे सभी के बिजनेसेस में काफ़ी इफेक्ट पड़ा, सो वी शिफ्टेड ऑन टू कार्गो थ्री व्हीलर्स जिसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, और वेंडर कनेक्ट्स की वजह से हमें काफ़ी आसानी पड़ती है। कार्गो थ्री व्हीलर सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड के कारण वी शिफ्टेड ऑन आर फोकस ऑन टू दिस सेगमेंट, जहाँ हमने ऑलरेडी 12 व्हीकल्स बेच दिए हैं, एंड काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी की वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को। तो आप अपने व्हीकल के बारे में बताइए, जो आपने ट्रियान जो व्हीकल बनाया है, जो आपका प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल, तो उसके बारे में हमें बताइए सर। करेक्ट, सो ट्रियान हमने नाम दिया है अपने थ्री व्हीलर कार्गो इलेक्ट्रिक के कंपनी को। इट इज़ अ सेपरेट बॉडी विच विल ओनली ऑपरेट इन टू दिस सेगमेंट। इसमें दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, वन इज़ L5 कैटेगरी, वन इज़ L3 ई रिक्शा। L5 कैटेगरी 1000 किलो तक का लोड उठा सकती है मैक्सिमम, ये ओवरलोड कंडीशन है। सो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी L5 की 800 kg होती है, एंड L3 की 400। L5 गोज टू 45 किलोमीटर पर आवर एंड L3 टू 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये काफ़ी मोटा मोटी, दीज आर द फिगर्स, एंड बाकी डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिफरेंस के लिए हमने स्लाइड बनाया हुआ है। तो आपने एक कंपैरिजन बना के रखा है जो कि हमें बता सके कि डीजल और इलेक्ट्रिक में क्या फर्क है, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करते हैं इन टर्म डीजल जो व्हीकल्स हैं वो लेते हैं या फिर इलेक्ट्रिक हम लोग चूज करते हैं, तो हमें उससे क्या मुनाफा हो सकता है सर, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। श्योर, ये स्लाइड शो है जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। सपोज डीजल व्हीकल 1 लीटर में 20 किलोमीटर का एवरेज देता है। 1 लीटर ऑफ डीजल इज वर्थ 80 रुपीज आज की डेट, जहाँ हमारा बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो लिथियम आयन से हमारा त्रियान, इट गोज 20 किलोमीटर यूजिंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मोटा मोटी इट इज 9 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ क्लियर कट कंपैरिजन है, यहाँ क्लियर कट प्राइस कंपैरिजन है। 4 रुपीज़ पर किलोमीटर डीजल इंजन से हम चलते हैं, इस 0.4 रुपीज़ पर किलोमीटर से जो हम लिथियम आयन की बैटरी से चलते हैं त्रियान में। नॉइजी और हाई मेंटेनेंस होता है डीजल व्हीकल, अगर आप चलाओ, आप और हमने तो नहीं चलाया होगा, बट ये जो यूजर्स हैं दे एक्सपीरियंस टू मच नॉइज इनसाइड द केबिन, एंड हाई मेंटेनेंस होता है आपके इंजन में पूरा, उसमें क्लच आया, गियर्स आते हैं, इट इज़ वेरी हाई मेंटेनेंस। हमारे यहाँ पे देर इज नो नॉइस, देर इज नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। मूविंग पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, और इंजन ऑयल आप डालो, गियर ऑयल लगता है इसमें, फिर यहाँ जगह जगह ग्रीसिंग आपको बार बार करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको कोई कभी फ्लूइड चेंज करना नहीं है। हाई टेम्परेचर ऑपरेशन, अब इंजन काफ़ी गर्म होता है जो नॉर्मल कंडीशन पे इंजन गर्म होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में बहुत कम शायद होता होगा या फिर मोटर या फिर उसमें ही आता है, तो लो टेम्परेचर ऑपरेशन होता है इसमें, गर्म होने का कोई मतलब, देयर आर नो पार्ट्स दैट हीट। ओके, कॉस्टली पार्ट्स, अब डीजल इंजन के आप क्लच रिप्लेस करने जाओ, उसका सर्विसिंग का पैसा, गियर बॉक्स आपको ठीक करवाना है, उसका इंजन में कुछ फॉल्ट आ गया, इंजन पार्ट्स, मोर मूविंग पार्ट्स, मोर कॉस्ट। तो यहाँ वी डोंट रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक्स है नॉर्मल सारे से, उसमें 50-60 रुपीज़ के स्विचेज आते हैं आपको, नॉट मोर देन दैट। इसमें क्लच ऑपरेशन में यू रिक्वायर स्किल्ड ड्राइवर्स, डीजल इंजन CNG इंजन्स में क्लच ऑपरेशन में भी रिक्वायर स्किल्ड ड्राइवर्स, जो यहाँ पे इट इज़ लाइक एन ऑटोमेटिक, आपको सिर्फ एक्सेलरेटर दिया जाता है यहाँ पे और ब्रेक होता है फिर। So it is kind of automatic vehicle. Automatic, definitely. आपको स्किल ड्राइवर्स नहीं चाहिए बेसिकली, आप अगर खुद ओनर है तो भी हम चला सकते हैं, एंड बिकॉज ये ऑटोमेटिक है तो हमें स्लोप चढ़ने में काफ़ी आसानी होती है, आपको वो क्लच का सेटिंग देखना नहीं पड़ता ब्रेक के साथ। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी लोगों को डाउट है कि ये चढ़ा नहीं चढ़ता है, बट इट इज़ ए वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऐसा पहले होता था,
कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तब कैपेसिटी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी कि हम चढ़ान वगैरह चढ़ पाए, तो इतनी ज़रूरत नहीं लगी. बट नाउ व्हेन दीज व्हीकल्स आर एंटरिंग इनटू कमर्शियल सेगमेंट, हमारे मोटर कंट्रोलर्स और हमारी बैटरीज इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, वी हैव मोर टॉर्क देन देयर डीजल काउंटर पार्ट्स. हमारा चढ़ान चढ़ना इट इज़ बेटर देन द डीजल काउंटर पार्ट्स. आप जो टेस्ट ड्राइव लेंगे उनको ये पता चल जाएगा. तो ऐसे जो भी डाउट्स हैं वी आर ओपन. हमारी वेबसाइट आप अपने चैनल पे मेंशन कर दीजिएगा, जहाँ वो लोग हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वी कैन डायरेक्टली रीच अस टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ वी आर देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो सर आप बताइएगा जो टेक्निकल पार्ट्स है, लाइक जो आपने मोटर यूज़ की है, बैटरी के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएगा उसके बारे में. तो स्टार्ट आप मोटर से कीजिए, बताइए. सो L3 और L5 में दोनों अलग अलग मोटर हम यूज़ करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट अलग होती है. सो L3 में 1.2 किलोवाट की मोटर है जो 25 की स्पीड तक जाती है. L3 में वी यूज़ BLDC मोटर्स फॉर बोथ आर प्रोडक्ट्स. L3 में द मोटर इज़ फॉर 1.2 किलोवाट, दैट गोज ऑन 25 किलोमीटर पर आवर. एंड L5 में वी यूज़ 4.5 किलोवाट मोटर BLDC से, दैट गोज टू 45 किलोमीटर पर आवर. सर ये तो हो गई मोटर की बात, और जो आप टेक्निकल टर्म्स में बताइए आप कौन सा सस्पेंशन इसमें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि लाइक एक कार्गो व्हीकल है, इसमें सस्पेंशन का रोल काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसके बारे में बताइए. करेक्ट, बिकॉज ये कार्गो व्हीकल है तो इसे मतलब लोड ज़्यादा उठाना होता है. एंड इस वजह से वी यूज़ लीड स्प्रिंग, जो पाटा बोलते हैं, कमानी बोलते हैं इसको, जो लोड अच्छे से उठा लेता है एंड काफ़ी रगेड होता है ये सस्पेंशन. इससे ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती. अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस, सो आप टायर, ब्रेक, सस्पेंशन और स्टेयरिंग, ये सबका मेंटेनेंस लोकली करवा सकते हो. आप जहाँ भी सर्विस करवा रहे हो अभी, एंड हम भी कर सकते हैं, तो आपको ये अच्छा पड़ता है. यू कैन सर्विस लोकली. एंड जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, उसकी 3 साल की वारंटी होती है. सो उसमें उसको आपको हाथ लगाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ऑल सील पैक. एंड वहाँ आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑल सील पैक. एंड अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है, वी रीच ऑन टू यू. वी 1 साल तक का आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलता है, जिसमें यू नो व्हेन यू आर इन एक्सपीरियंस, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जब डाउट होता है, वी यू नीड अस द मोस्ट. सो पहले 1 साल तक वी गिव यू रोड साइड असिस्टेंस, जब आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है वी असिस्ट यू वेर एवरी वन. सर तो फिर आप इसके जो टॉप स्पीड है या फिर जो कुछ अपने स्पीड लिमिट्स रखा हुआ है क्या इसके लिए, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जो कार्गो व्हीकल्स के ड्राइवर्स होते हैं जो इसको रथड यूज़ करते हैं इसका, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उस चीज़ के लिए आपने क्या इसके लिए प्रिकॉशंस लिए हुए जो टॉप स्पीड के बारे में. टॉप स्पीड ऑफ L3 इज़ लिमिटेड टू 25 किलोमीटर पर आवर एंड L5 इज़ लिमिटेड टू 45 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पे आपको चढ़ान के लिए इनफ टॉर्क मिल जाता है. ये कंट्रोलर्स और मोटर्स कैसे सेट होते हैं, भी आपका अगर ग्रेडियंट इंक्रीज होते जाता है, जैसे आप कोई नॉर्मल ब्रिज ओवर ब्रिज पे जा रहे हो, तो आपका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस होता है. इट इज़ ऑल सेट, आपका गाड़ी लोडेड है या नहीं लोडेड है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस होगा. और जैसे जैसे ग्रेडियंट बढ़ते जाएगा, तो मैक्सिमम इज़ 8 डिग्री. 8 डिग्री का आप जो स्लोप होता है, दैट इज़ वेरी स्टीप. जहाँ फर्स्ट गियर में हमें हमारी पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ चलानी पड़ती है हाफ प्लस, उतना ज़्यादा स्लोप हो गया 8 डिग्री, उसमें हमारी गाड़ी कांस्टेंट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. सो ये पीछे भी नहीं आती बिकॉज इट इज़ एन ऑटोमेटिक. और अगर आप वो स्लोप पर स्पीड में भी आए तो भी वो 10 किलोमीटर पर आवर तक हो जाएगा, एंड अगर आप वहाँ रुक के स्टार्ट करें तो भी इट विल गो टू ओनली 10 किलोमीटर पर आवर. दिस इज़ टू इंश्योर कि आपकी गाड़ी पीछे ना आए और स्लोप पर कंटिन्यूस चढ़ पाए. तो ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्निकल टर्म्स के बारे में. सर आप इसका सेल्स कैसे कर रहे हो और आप सर्विस कैसे दे रहे हो कम्प्लीटली, क्योंकि सेल्स आप कम्प्लीटली आपकी कंपनी जो है जो मुंबई बेस्ड कंपनी है, तो अभी आप सिर्फ मुंबई में ही इसका कम्प्लीटली प्रचार कर रहे हो या फिर पैन इंडिया के लिए भी सोच रहे हो. सर इन आर इंट्रोडक्टरी फेज हम पैन महाराष्ट्र सेल करेंगे, एंड वी विल हैव डीलर आउटलेट रीचेस इन मेजर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ से हम टेस्ट ड्राइव अवेलेबल उनको कर पाएंगे. एंड अब तक हमारा डायरेक्ट सेल होगा इनिशियली, जहाँ हम इंट्रोडक्टरी प्राइस रखेंगे, बिकॉज लोगों के मन में डाउट है कि हाउ विल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिहेव. सो वो जब तक
एक हम क्लियर ना करते, वी हैव एन इंट्रोडक्टरी प्राइस जो अराउंड 50,000 चीप रखा है हमने फॉर द स्टार्ट। जो आपने इंट्रोड्यूस की है मार्केट में, तो आपको क्या लगता है सर ये किस चीज़ के लिए बेसिकली यूज में आ सकते हैं, किस बिजनेसमैन के लिए इसका यूज हो सकता है, किस बिजनेस के लिए? आप चाहे किराने वाले हो, आप परसान वाले हो, आप सीमेंट वाले हो, आप अगर नारियल बेचते हो, आपकी गवर्नमेंट आपको जो अलाउ करे आप उसमें ये लोड कर यू कैन डू योर बिजनेस। सीमेंट, लोखंड, आपको जो ले जाना आप ले जाओ, जो आपकी गवर्नमेंट अलाउ करे वो। सर फिर अगर आपका कोई समझो कोई अलग कस्टमर रहेगा उसको कंप्लीट क्लोज केज चाहिए, तो आप वैसे कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करके दोगे या फिर नहीं? जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, सपोज मेडिकल वालों को पूरा इनक्लोज चाहिए होता तो वैसा, और ओपन किसी को चाहिए तो वैसा भी हम सब करा कर देते हैं। सर आप बैटरी के बारे में हमें बताइएगा कि आप बैटरी कौन सी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं व्हीकल में? राइट, हमारे पास बैटरी में देर आर टू ऑप्शंस। एक वन इज द बिग ब्लॉक जो आपको फिक्स बैटरी होती है, आपको व्हीकल में आकर ही चार्ज करनी पड़ती है, एंड दी अदर इज अ स्वॉपेबल बैटरी जहाँ बैटरी की ओनरशिप आपकी नहीं होती है एंड आप इस पर स्वॉप कर सकते हैं। सो फॉर एवरी स्वॉप वी चार्ज यू अ सर्टेन अमाउंट दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ योर फुल चार्ज। अब अगर हम इसको फुल चार्ज करते हैं इट टेक्स 3.5 आवर्स टू फुल चार्ज, एंड it takes 3.5 hours for a full charge and you can run 90 km for that। and swappable battery में भी आपका range same रहेगा 90 km/h, पर उसमें आपको जो rolling charges होते हैं, जो उनका maintenance होता है, उसके हिसाब से cost थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें it is 0.4 rupees per kilometer आपका इसमें running आता है। 5 hours होते हैं लगते हैं इसे full charge होने में, that consumes around 5 units लगते हैं, because वो सर्विस आपको प्रोवाइड करना है स्वॉपेबल। ओके, तो आपको सर अगर बैटरी का आप बता सकते हैं इसमें वेट कितना होगा? अभी ये स्वॉपेबल बैटरी है तो इसमें वेट कितना होगा जो आप कैरी कर सके, कोई भी एक आम आदमी जिसको कैरी करके चार्जिंग पे लगा सकते हो, आप उसके बारे में बताइए सर। अब हमारे एक फ्रिज जितना हमारा बैटरी स्वॉप स्टेशन होगा, तो ये 12 किलो की बैटरी होती है, आपको सपोज व्हीकल से उठा कर वो स्लॉट में आपको इंसर्ट कर देनी है। तो आपने सर बोला कि 12 किलो का इसका वेट है, जस्ट मैं एक चेक कर लेता हूँ। ओके, तो कोई भी इस बैटरी को उठा सकता है? बिल्कुल ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ। आपने सर ने बैटरी के वेट के बारे में तो हमें बताया, सर आप जो बोल रहे थे कि इसके स्वैपिंग सेशंस के लिए, तो आपने इसके लिए क्या इसके लिए इंतजाम करके रखा है? इन फ्यूचर अगर कोई कस्टमर इसको लेता है तो स्वैपिंग सेशन के लिए आप क्या अपने फ्यूचर के लिए सोचा है? हमने जो बैटरी कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, दे आर मार्केट लीडर्स एंड वी विल सेट अप 15 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस मुंबई जहाँ आप डेली के 8 तक स्वॉप्स कर सकते हो डेली एक 1%, एंड आपको पर स्वॉप कुछ एक नॉर्मल चार्ज देना होता है, एंड इसमें ओनरशिप कस्टमर की नहीं होती, इसमें बैटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कंपनी उठाती है, एंड आपको घर पर चार्जर भी नहीं दिया होता क्योंकि आपको स्वॉप भी करना है। एंड 15 स्टेशन हमने अंदाज़ा लगाया कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी पूरी, एंड हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ एक मिड पॉइंट हो लोगों के लिए, तो जब वो मुंबई से नवी मुंबई में जा रहे हैं तो इसमें मुंबई से थाने मुंबई सबब टाउन ऐसे बीच बीच में, और फिर कल्याण डोंबिवली स्टेशन। तो ये स्वैपेबल बैटरी के बारे में हो गया, और जो आपकी ये सर बैटरी है इसके बारे में बताइए सर, इसका वेट कितना है कम्प्लीटली, और इसके चार्जिंग के लिए आपने कौन सा चार्जर प्रोवाइड किया हुआ है, जो चार्जर के लिए आप स्पेसिफिकेशन इसके बारे में बताइए। इसके साथ आपको चार्जर दिया जाता है जो स्वैपेबल बैटरी के साथ आपको नहीं दिया जाता। 0.5C इसका रेटिंग है, दिस चार्जेस द बैटरी इन 3.5 आवर्स दैट गोज अप टू 90 किलोमीटर। ये हमारा जो चार्जर है ये इंश्योर करता है कि आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल्स कम ना हो, वो बैटरी पे वारंटी इज 3 इयर्स। सर ये तो आपने बैटरी के बारे में बता दिया, सर आप अगर वही इंसान इस गाड़ी को लेता है और इसमें जो आप चार्जिंग सिस्टम इसमें कैसे आप उसको बताते हैं, या फिर बैटरी का जो ख्याल रखना है वो कैसे रखना है सर? ये बैटरी को आपको देयर इज अ ऑप्शन जो आप उसके स्टोरेज बॉक्स खोलेंगे, देयर इज अ प्लग, आपको यहाँ वो प्लग इन कर देना है
एंड ऐसा कुछ खास आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी के अंदर देर आर सर्किट्स जो बैटरी का ख्याल रखेंगे,